जज़ाकअल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें कौसर अता की, तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी किया करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेऔलाद रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम तमाम तर देखने वालों को
तीसरा रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। और आज तीसरे रमज़ान को हम बात करेंगे उस ताहिरा की कि जिसकी तहारत की मिसाल और गवाही आयत अथीर में मौजूद है। हम बात करेंगे उस आबदा की इबादत की कि जिससे हमें बहुत कुछ सीखना है। हम बात करेंगे उस खातून जन्नत की जो कि इमामों की माँ है। हम बात करेंगे उस कनीज़े खुदा की जिसको उम्मे अबीहा कहते हैं, जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम की बात करेंगे, और इतनी उनसे मोहब्बत है, और मोहब्बत तो छोटा वर्ड है, अकीदत भी छोटा वर्ड है, वो कहते हैं ना मवद्दत, अल्लाह अकबर, तो ये शायद ये एक्सप्लेन कर सके कि हम गुनाहगार लोगों की क्या मोहब्बत है बीबी से। अल्लाह अकबर कबीर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, और मैं एट द एज ऑफ 53 आई कैन शेयर, जब हम बचपन में वाक़ात सुनते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना और सारा, तो फिर ये होता था कि जो बच्चा है वो अपने आप को हसनैन करीमैन से रिलेट करता था कि हम भी बच्चे हैं, तो वो भी बच्चे हैं। जब हम सुनते थे तो हमें लगता था अच्छा वो भी बच्चे। फिर जहाँ वालदा माजदा का जिक्र है और अपनी वालदा का, तो फिर ख्याल आता था अच्छा हसनैन करीमैन की वालदा माजदा जो हैं वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। और फिर इसी तरह के हसनैन के नाना करीम नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उनके बाबा शेर खुदा हज़रत अली करमल्ला वजहू हैं। तो वो ये ऐसे ना एक वो एक ताल्लुक पैदा होता था कि अच्छा मैं भी बच्चा हूँ, ये मेरे बाबा, तो वो आप ना सोचने लगते हैं ऐसे। और फिर जब आपको कोई कांधे पे बिठाए तो फिर ये एहसास होता है कि हमें बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन को अपने कांधे पे बिठा लिया करते थे। बल्कि वो क्या कहते थे कि क्या वो किसी कहा एक साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या खूब सवारी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो शाह सवार भी क्या खूब है। क्या कहें, तो वो फीलिंग बड़ी अजीब, अभी भी आपको एक गूज़बम्प्स अपने जो बिल्कुल। और बहुत सारी जगहों पे अल्लाह पाक को भी आप देखें कि मोहब्बत कितनी थी कि जिनकी शान में जो आयत उतरी कि नबी हमने तुम्हें कौसर अता की, ये कौसर क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ महमूना मुर्तज़ा, हमारी आपा डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम आपा। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी जवेरिया मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है अल्लामा इमरान रशीद साहब, मैं चाहूँगी वो भी अब आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी इमरान भाई, और साथ में हमारे साथ अल्लामा कुमैल महदी भी हमारे साथ मौजूद हैं इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम कुमैल भाई, अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। और आज जो महफिल सजी है, ये जो हम खाते हैं लंगर, ये लंगर यकीनन उसी दरे सैयदा का है जो कि आज बट रहा है, और आज हम बड़े मज़े से खा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बात भी की कि वो तो बीबी हैं कि जिनकी तहारत की गवाही आयत तथीर में मौजूद है, ये वो बीबी हैं कि मुबाहिला में आप देख सकते हैं कि यही थी जब नबी को कहा गया कि अपनी बेटी को लेकर अपनी औरतों को लेकर, तो ये बीबी मुबाहिला में आई हैं। उसके बाद जब हदीसे किस्सा में जब देखा कि कैसे किस्सा के अंदर सब पंचतने पाक मिलके बैठ गए, जब तारुफ कराया है तो फातिमा तो वबूहा व बालूहा व बनूहा, जनाब फातिमा से नस्बत दे के सबका इंट्रोडक्शन कराया गया। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी हमारी बीबी है जिनका आज हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, इतनी बड़ी शान जो हम बहुत से लोगों को आइडिया नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही ना तो नूर भाई तब एहसास हुआ कि जी जी सुबह हमने बड़ी माशाल्लाह बड़ा खैर की बात आवाज सारी में रहा। बिल्कुल, जब कौसर, जब आए कौसर है, ये कितनी कितनी बड़ी फजीलत की हामिल है। बेशक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मदीहा आयत कौसर के जैसे बहुत सारे तर्जमे और तफसीर हैं, उसमें हौज कौसर को एक तरफ रखने के बाद बेहतरीन तफसीर सैयदा है। आप ये देखिए कि कुफार का ये चैलेंज करना कि आप बे औलाद हैं, असल में मकसद ये था कि औलाद, लड़का औलाद ना होने की वजह से आपका नामो निशान ना रहेगा, मतलब ये था कि नस्ल नहीं होगी, नाउज़ुबिल्ला वो जो बदखा है वो इस तर्ज का, जिनकी जबान अल्लाह ताला ने फिर किस तरह से बंद की, इन्ना शाने आका हुआ अबतर कह के, लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला उनको उनके चैलेंज का या इस बदखोई का जवाब देते, पहले खुशखबरी अता की कि हमने आपको कौसर दे दी, खैर कसीर। अब इसके साथ जो इसका लाजमी नतीजा है, पहला तो है वरफ़ाना लका ज़िक्र,
आप कह रहे हैं नाम नहीं रहेगा, तो अल्लाह के बाद सबसे बुलंद नाम यही है, बादल खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर। बेशक उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि नस्ल ना होने की वजह से, औलाद ना होने की वजह से बात खत्म हो जाएगी, तो बात तो अब शुरू हुई है जो कभी ख़त्म ना होगी, और नस्ल भी यहीं से है। ये बिल्कुल, ये जनाब फातिमा तो ज़हरा को देखे अल्लाह पाक ने कैसे एक मौजज़ा अता किया, वैसे कहते हैं कि जो नस्ल है वो मर्द से होती है, लेकिन जो आज सादात मौजूद हैं वो जनाब फातिमा तो ज़हरा की, तो ये डायनामिक्स चेंज कर दी। ये इस्लाम ही को ये शर्फ हासिल, बेशक बेटी से नस्ल चली और नवासों से मोहब्बत और ननिहाल से मोहब्बत। आप देखिए आज तक कोई माँ, कोई घराना ऐसा नहीं है कि माँ से मोहब्बत ना निकली हो। यानी आप देखें कि दादी दादा चचा फूफी इनकी मोहब्बत का भी कोई जवाब नहीं है, क्या क्या लेकिन माँ जो है और ननिहाल जो है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की वजह से ये हिस्ट्री हम लोगों में है कि बच्चे भी और ननिहाल भी एक दूसरे के साथ जिस तरह से अटैच है, ये उन्हीं की देन है। जी इमरान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी फातिमा का ज़िक्र हमारी ज़ुबान इस काबिल नहीं है कि उनका मुबारक मुताहर ज़िक्र कर सकें। उनके ज़िक्र से पहले सादात ख़ानदान के हवाले से दो बातें गुजारिश अर्ज़ करके फिर उनका ज़िक्र मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए। एक तो हम सब आज से नीयत करें कि अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा ज़रूर निकाला करें उस मुबारक ख़ानदान पर ख़र्च करने के लिए। दूसरे नंबर पर हम अपने नामों को सादात ख़ानदान के नामों की नस्बत से रखें। पीरान पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ये बात कहा करते थे कि जो बंदा ये अहतमाम करेगा अल्लाह मरते वक्त उसको दुनिया आखिरत की सबसे बड़ी नेमत खात्मा ईमान पर। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। बीबी फातिमा का चूँकि योम विसाल है तो हज़रत अली शेर खुदा हैदर कर्रार तदफीन के बाद जब तशरीफ़ लाते हैं तो एक मरसिया पेश किया, और मरसिया ऐसा था कि दिल की गहराइयों तक उतरने वाला। फरमाया लिकुल इज्तिमा मिन खलीलैन फ़ुरक़तुन व कुल्लुल्लज़ी दूनल फ़िराक़ क़लीलु इन इफ़्तिक़ादी फ़ातिमा बाद अहमदा अला अल्ला यदूम खलीलु व कैफ़ हुनाकल आयशु मिन बाद फ़क़्दिहिम लाउमरु की शै उम्मा इलैहि सबीलु लैसल जलीलु रिज़ फ़क़्द मालिही वलाकिन्ना रिज़ अल अकरमैन जलीलु लिज़ालिका ला युआतीही मज़ाउ वफ़ी ग़ल्ब हिर्रुल फ़िराक़ी ग़लीलु। मौला अली ने जब ये अशार और मरसिया पढ़ा तो जो पास सहाबे कराम बैठे थे उनके ऊपर भी रिक्क़त की कैफ़ियत, और आज भी जब ये अशार पढ़े जाते हैं तो कैफ़ियत इतना प्यार इतना तड़प उठे मौला अली अपनी बीवी और अपनी ज़िंदगी का जो ख़ास रब ने उनको तोहफ़ा अता फ़रमाया था उसकी जुदाई के ऊपर कि फ़रमाया फ़ातिमा आपकी जुदाई ने मेरे सीने को ज़ख्मी कर दिया है, और हुजूर अलैहि सलातो सलाम और उसके बाद आपका चले जाना ये दलील है इस बात पर कि कोई खलील साथ रहने वाला नहीं। अब आपके बाद ज़िंदगी का क्या मज़ा है, कैफ़ा हुना कल आयशु मिन बाद फ़क़्दिहिम, आपके चले जाने के बाद ज़िंदगी को मज़ेदार हो सकती है? अल्लाह की कसम बस ज़िंदगी का गुजारे लायक ही है, ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो गया है, दुनिया का सब कुछ चले जाना कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐ फातिमा आपका चले जाना ये मेरे लिए सब कुछ है कि मेरा सब कुछ जैसे कि चला गया। और इसलिए फरमाया आज के बाद मेरा बिस्तर पे आने को दिल नहीं कर रहा थे, आपकी जुदाई ने मेरे सीने को ज़ख्मी कर दिया है, जला दिया है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं एक वाक़या बड़ा खूबसूरत, मदीहा बहन नूर भाई बड़ा खूबसूरत वाक़या का जिक्र करते हुए, एक मरतबा बीबी फातिमा हमारी अम्मा जान बीमार हो गई, सारी रात शेर खुदा उनकी तीमारदारी में परेशान दुखी बैठे हुए थे कि अल्लाह मेरी फातिमा को शिफा अता फरमा। आखिरी पहर में आंख लग गई, जब उठे तो क्या देख रहे हैं कि बीबी फातिमा खतून जन्नत ठंडे पानी के साथ सख्त बुखार सख्त मरीज़ा ठंडे पानी से वजू फरमा रही हैं। वापस जब आए नमाज पढ़कर तो देखा कि चक्की पीस रहे हैं, तो समझाने के लिए अर्ज़ किया कि ऐ फातिमा आप इतनी सख्त बीमार, ठंडे पानी से आपने पहले वुज़ू किया उसके बाद चक्की पीसना शुरू कर दी, आपको कुछ हो ना जाए और ना बीमार हो जाएं, तो सर झुकाकर आजजी के साथ क्या पेश किया कि आपकी इताअत अल्लाह की इबादत की, आपकी इताअत की, बच्चों की खिदमत की, इस हाल में मैं दुनिया से चली जाऊं
तो मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है कि मैं अपने खामन की फरमा बरदारी करते हुए दुनिया से चली गई। और जिसको अलामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में यूं कहा, अल्लाह अकबर, गुम रजायश दर रजाए शोहरश, कि सारे नारी क्या, नूरी क्या, खाकी क्या, सब सफ बांध के उनकी खिदमत के लिए खड़े हैं। बीबी फातिमा ने अपनी रजा को अपने शोहर की रजा के लिए, अल्लाह अकबर कबीर, जो मेरे शोहर की रजा है, अपनी वालदा माजदा की, अपनी वालदा माजदा की, ठीक। और यहाँ आंसू बहा रहे हैं, यहाँ अश्के ऊ बरचीद जिब्रील अज़मी, अश्के ऊ बरचीद जिब्रील अज़मी, के जिब्रील आसमानों से आके उन आंसुओं को उठा रहे हैं जो बीबी फातिमा मुसल्ले पे कभी दुनिया में किसी के सामने आंसू नहीं बहाए, हमेशा आंसू बहाए हैं, तो मालिक के सामने मुसल्ले पे बहाए हैं। और जिब्रील आके उन आंसुओं को लेकर कहाँ लेके जा रहे हैं, अर्शे बरी के ऊपर जाकर उनको सजाया जा रहा है। ऐसा रब से ताल्लुक बनाया और अपनी बेटियों को एक मिसाल और रोल मॉडल पेश कर दिया कि जिंदगी गुजारना तो ऐसी गुजारना जैसे मैं जिंदगी गुजारा। दो मिनट है तो अभी मुझे बता दें कितना टाइम है, क्योंकि फिर मेरे को मैंने कहा एक, हाँ मैं भी बल्कि एक बात पूछ लें क्या, हाँ दो मिनट, एक मिनट, मैं पूछना चाह रहा था कि बीवी फातिमा तुस्ज़ाहरा सलामुल्लाह अलैहा का जो रोल मॉडल है वो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, ऐसे ही जो बेटी मैसर है वो तो माँ ही का परतौ है ना, अल्लाह अकबर, और माँ ही का अक्स है, जैसे आजकल कहते हैं कि वालदा को देख लेना चाहिए एक बच्ची के इंतखाब के सिलसिले में बात कही जाए, तो अभी है ये भी कहा जाता है कि बेटा बाप का राज होता है और बेटी माँ की राज होती है, तो जो कुछ है हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में वो नूर हजरत खदीजा का अल्लाह तो उनकी ज़ात से जाहिर हो रहा है। और दो मिसरे हैं क्योंकि वक्त मुख्तसर है, कि कागज पे पहले सूरह मरियम को दम करूँ, कागज पे पहले सूरह मरियम को दम करूँ, कागज पे पहले सूरह मरियम को दम करूँ, तब फातिमा की इस्मत व इफ्फत रकम करूँ, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह मुकर्रर मुकर्रर, तब फातिमा की इस्मत व इफ्फत रकम करूँ, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कानत सय्यदत निसाए फी ज़माना इब्नती वहिया फातिमा सय्यदतुन निसाए अलआलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, सुभान अल्लाह, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा अपने जमाने की औरतों की सरदार थी, लेकिन मेरी बेटी फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अव्वलीन और आखिरीन में से कोई मस्तूर ऐसी है ही नहीं जो दायरा सरदारी फातिमा ज़हरा से बाहर हो। और दोनों हस्तियों के लिए अगर ये मैं लफ्ज़ सही इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो मोहब्बत है मौला अली करमुल्लाह वजूह से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो अनकंडीशनल लव है, जैसे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हजरत खदीजा उनके इज़्दवाज में थी कोई और दूसरा इज़्दवाज नहीं फरमाया, और ऐसे ऐसे मौला अली मुर्तज़ा अलैहि सल्लम जब तक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इज़्दवाज में थी कोई और इज़्दवाज नहीं फरमाया, तो ये लाशरीक ज़ौजा रही अपने खावंदों की, और जिस तरह से माँ वैसे ही बेटी, और माँ अपने जमाने की हुज्जत पर कुर्बान सुभान अल्लाह क्या कहने, और बेटी अपने जमाने की वलीउल्लाह अल्लाह क्या कहने, अल्लाह और उनका साथ निभाना अगर वक्त है तो जी, मैं जी, ब्रेक पे जाने, लेकिन मैं एक बात ब्रेक पे जाने, लेकिन एक बात के जैसे उनकी वालिदा का मखरूज है इस्लाम, कि जैसे जनाब खदीजतुल कुबरा ने अपना तमाम तर माल असबाब कुर्बान कर दिया था, तो इस्लाम जो है वो मखरूज है जनाब फातिमा तुज़्ज़ाहरा का भी, क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम आल कुर्बान कर दी। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो उनकी तरबियत के हवाले से बात करेंगे जो मैं करबला में नज़र आई, छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मर जाइएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह क्यों, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहब्बत से है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन
जीती रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। और रमजान का समा और हम हाजिर हैं और मौलाना इमरान बशीर साहब और मोहल महदवी साहब, डॉक्टर तमुला मुर्तज़ा और जवेरिया सलीम और मदिया नकवी, हम सब आपकी खिदमत में मौजूद हैं। इमरान भाई आपको जाना है और कहते हैं जाने वाले को कोई रोक नहीं सका, तो मैं कह रहा था जाने से पहले कुछ हदिया दीजिए, कोई बात आज के दिन के हवाले से। और आपको मैंने देखा आप अपनी कम्युनिकेशन में ना आप विनती करते हैं बहुत कि मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, वो आपको क्या लगता है इसके बगैर नहीं लोग मानते सहल में, या आप चाहते इससे तवाज़ो और आजजी भी पैदा होती है तबीयत में? दोनों चीज़ें, दोनों हैं। बीबी फातिमा की सीरत को मैं फिर मिन्नत करके अर्ज़ करूँगा अपनी तमाम माओ बहन बेटियों से कि अल्लाह की कसम उन जैसी इज्जत रब ने किसी को नहीं अता फरमाई। हम जितनी भी डिग्रियाँ हासिल कर लें, जितने भी माल मता हासिल कर लें, हम ये देखें कि रब ने उनको क्या मुकाम दे दिया कि अल्लाह के महबूब अलैहि सलातो सलाम फरमा रहे हैं कि ये मेयार रब ने मुकर्रर कर दिया कि इन्नल्लाह यरज़ा लिरज़ाइक, जिससे आप राज़ी हैं रब उससे राज़ी है। इससे बढ़कर क्या मुकाम लेना है? जिससे आप राज़ी हैं उससे रब राज़ी, जिससे आप नाराज़ वया गज़ब लिरज़ाइक, जिससे आप नाराज़ हैं अल्लाह कभी उससे राज़ी नहीं होगा। इतना बड़ा मेयार। सबसे पहली सिफत उम्मे अबीहा कि अपने बाप की माँ की निस्बत मिल गई। क्या मतलब कि जैसे एक माँ शफकत देती है, यूं बेटी ने अपने वालिद मोहतरम को इतनी शफकत इतनी अपनाइयत। तो मैं अपनी तमाम बेटियों से अर्ज़ करूँगा कि इस सिफत को अपनाने की कोशिश करें। आज अल्लाह की कसम माँ बाप बड़े दुखी हो चुके हैं, बड़े दुखी हैं। और दूसरी सिफत कि जब ये बीवी बनती हैं तो मौला अली से पूछा जाता है कैफ वजदता फातिमा, आपने कैसा पाया? तो फरमाने लगे नेमल आउनु अला ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत पे मुझे अल्लाह ने इतना बेहतरीन साथी दे दिया कि ऐसा साथी मुझे। सुभान अल्लाह। और सारी ज़िंदगी अपने शोहर से कभी किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया। मैं अपनी बहनों बेटियों से अर्ज़ करूँगा, घरों के झगड़े ख़त्म करना चाहते हैं, बीबी फातिमा की एक इस सुन्नत को अपना लें कि हमने खामिन से नहीं मांगना, बाप से नहीं मांगना, बेटे से नहीं मांगना, किससे मांगना है? उससे मांगना है जो सबको अता करता है। बीबी फातिमा जब सजदे में सर रख कर कभी अपने आंसू, बड़े कीमती हैं, इनको किसी के सामने मत बहाएं। कोई कदरदान नहीं है, कदर करने वाली ज़ात है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके सामने आंसू बहाएं। अश्के ऊ बर चीद जिबरी अज़मीन के, जिब्रील फिर आते हैं उन आंसुओं को उठाने के लिए। क्या कहने? किस वजह से कि उन्होंने आंसू कभी किसी और के सामने बहाए? मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, चुन लिए थे जो मेरे अच्छे बरी पे जाके लगाए जा रहे हैं और सजाए जा रहे हैं। और बेटों को सारी जिंदगी अपनी औलाद को शोहर के साथ जोड़ा, और जैसे यानी तीन अदब अपने बच्चों को सिखाए, ला तुसम्मी ही बिस्मी वला तमशी अमामा वला तजलिस कबला। बच्चों अपने बाबा को कभी नाम से मत पुकारना, कभी इनको क्रॉस मत करना, सुबह भी बात जी जी सुबह भी ये बात हुई, कभी इनको क्रॉस इनकी तरफ पीठ ना करना, कभी इनसे पहले बैठना ना, हमेशा नजरें। बीबी फातिमा खुद सारी जिंदगी नजरें झुका कर बर्खास्त के नूरी नारी खाकी सब उनको राजी करने के मुंतजिर हैं, और उन्होंने अपनी रजा को अपने शोहर की रजा के लिए वक्फ। बड़ों को बकायदा देखा कि पीठ करके नहीं बेटा, एहतियात करो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बैक और अदब। और हम बहुत सारी जगहों में जो बात करते हैं जनाब फातिमा तो ज़हरा के मसाइब की बात तो करते हैं, यकीनन वो बहुत ज्यादा थे और उनकी काम की ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन जो उन्होंने दरसो तदरीस की है, जो उन्होंने तरबियत की है और जो तरबियत हमें पर
हमने देखा कि कैसे कर्बला के मैदान में नज़र भी आई, वो सिर्फ जनाब हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक नहीं महदूद नहीं थी, वो किस तरह से हमने देखा कि जनाब ज़ैनब जो हैं वो कूफा और शाम के बाज़ारों में वो तरबियत ही थी जो बोल रही थी, और किस तरीके से इस्लाम को उन बाज़ारों से निकाल के वो लेकर आई हैं। घर के छोटे छोटे बच्चा भी हूँ वैसे तरबियत याफ्ता था, तो मैं चाहती हूँ ज़रा उस पर भी आपको मेल भाई ज़रा भाई, वो तो अब जैसे मदिया पूछी वो तो नज़र ही आ गई तरबियत, पूछा कि कौन बड़े। मुझे ये बताइए कि जैसे अभी इमरान भाई कह रहे थे, तो क्या आज के दौर की अगर हम बात करें तो क्या खातून को डिमांडिंग नहीं होना चाहिए? क्या हम इससे ये इम्प्लाई करने की कोशिश करें, एक बात, और दूसरी बात ये कि ये जो सब्र है जब हम बाकायदा कहते हैं इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, तो क्या जैसे आपने उस रोज़ भी कहा था कि वो बच्चे के कहा मेरी गोद बैठो चलो, तो क्या ये कहना और है और करना और है, ज़रा फरमा दीजिए। पहले मेरे सवाल का जवाब जो मैंने जनाब फातिमा तसारा से किया। अच्छा, इसमें देखें अगर आप तरबियत की बात करें तो एक खुलासतन एक जुमला है आका अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में, मैं समझता हूँ पूरी करबला उसके अंदर है। अल्लाह हु कहते हैं मेरी तरबियत जिस गोद में हुई है वो गोद मुझे इजाजत नहीं देती कि यजीद जैसे की बयत की। अल्लाह हु अकबर कबीर, क्राइटेरियन आ गया, क्राइटेरियन आ गया। हुसैन जो कुछ है करबला में वो नूर फातिमा का इजहार है, वो अक्स फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा उसका परतौ उस नूर का इजहार है करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और जनाब मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि छः मिसरे कहें, पांच मिसरों तक मजमून और है, छठे मिसरे में मजमून वो है जो आपका सवाल है। कहते हैं आफाक में ज़हरा का नहीं है कोई हमसर, क्या कहने? तो क्या दलील है? जौजा असदुल्लाह की और बिनते पैगंबर, फिर कौन होगा उनका हमसर? असदुल्लाह की और बिनते पैगंबर। हवा का शरफ नूर खुदा अर्श का जेवर, और कुरान में जिसे याद करे खालिक अकबर, इन्ना अतैना कल कुरान में जैसे याद करे खालिक अकबर। फिर कहते हैं सानी कोई जहरा का ना होगा ना हुआ है, हाँ हजरत ज़ैनब को जो कहिए तो बजा है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी जो बात हम कर रहे थे आईना की तो वो नस्लन बादा नस्लन ये किरदार जारी सुभान। और इसमें एक उनका ताल्लुक अल्लाह सुभान व तआला से, अभी मुझे आप बयान फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला उनकी रजा में राजी होता है उनके गजब में गजबनाक होता है, ये इतनी बड़ी बात है। अल्लाह की रजा में राजी होने वाले तो बहुत हैं, अल्लाह जिसकी रजा में राजी हो, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह जिसकी रजा पे राजी, ये मामला बरक्स है, वो कहे कि मैं राजी हूं, राजियतन मर्जिया या अयतुन नफ्सुल मुतमईना इरजी इला रब्बिक राजियतन मर्जिया, खुदा बंदे से खुद पूछ जी बता तेरी रजा, और एक नाम भी इनका असीम नाम भी, तो उनका नाम भी राजिया भी है मर्जिया भी है। राजिया वो कि जो अल्लाह से राजी हो, मर्जिया वो जिससे अल्लाह राजी हो, क्या कहने, ये याद रहना चाहिए, ये बातें बड़ी जरूरी। तो ये अल्लाह सुभान जी, फजाना हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौर से जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फैजाना जी क्या कहना चाहेंगी जी? सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगी आपके शो की, आपका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत सी बातें जो हमने कभी पहले ना सुनी ना कभी देखी वो हमें सुनने को मिल रही हैं। आप मदीहा, आप और नूरुल हसन साहब, उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। मैं लाहौर से फरजाना बात कर रही हूँ, और ये फेसबुक पे भी मेरे पास हैं नूरुल हसन साहब, शायद मुझे पहचानेंगे नहीं लेकिन ये है कि बहुत खूबसूरत बातें जो हम तक पहुँच रही हैं, इसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपकी। अभी बीबी फातिमा के बारे में जो बात हुई उसमें मैं थोड़ी सी अपनी अकल के हिसाब से बात करूँगी कि हम जितनी भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी खवातीन आजकल बहुत पढ़ लिख गई हैं, लेकिन अगर हम एक सिफ्त भी बीबी फातिमा की अपना लें तो मेरा ख्याल है कि हमारी जिंदगी बहुत सारी बातों से बच के बहुत सीधे रास्ते पे चल पड़ेगी। जज़ाकुमुल्लाह बिलखैर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और बड़ी इनकी माय बेस्ट फ्रेंड जैसी कॉल लगी, तारीफ ही तारीफ थी मतलब। जाके देखेंगे फेसबुक पे किस तरह बीबी फातिमा को हर खूबी से नवाजा था, खास तौर पे शर्म और हया, जिसका भी वक्फे में भी हमारी आपा ममूना मलिक मुर्तज़ा मलिक साहबा जिक्र फरमा रही थी कि हया ना हो तो फिर बंदा जो कुछ मर्जी करता रहे। बीबी फातिमा की हया का ये आलम कि आका अलैहि सलातो सलाम सहाबा से पूछ रहे हैं कि औरत का सबसे ऊंचा अमल कौन सा है, तो सहाबा ने मुख्तलिफ जवाब दिए। आखिर में हज़रत अली शेर खुदा घर तशरीफ ले जाते हैं और पूछते हैं कि कौन सा ऐसा अमल है, आका अलैहि सलातो सलाम ये सवाल कर रहे हैं, आगे से जवाब दिया मुस्कुराते हुए, अल्लाह यरा हर रजुल व अल्लाह तरा,
ये जवाब जब आके शेर खुदा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया तो मुस्कुराते फरमाए ये जवाब तो मेरी बेटी ही दे सकती है। अब इसका तर्जमा क्या है कि अल्लाह यरा हर रजुल, कि औरत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसको कोई गैर ना देख सके। और वो पर्दा देखें, हम सब गुनाहगार हैं नूर भाई, मदीहा बहन, हम सब गुनाहगार हैं। कम अज़ कम एहसास तो पैदा हो जाए कि हम ये गलत कर रहे हैं। बाज़ हम गलत कर रहे हैं पर दलाइल भी देते हैं कि नहीं ये तो पुरानी बातें, नहीं अल्लाह का वास्ता नहीं कर पा रहे, वो कम गुनाह है। शाना बशाना कैसे चलना है? फिर वो कहते हैं ना, वो लगता है जैसे कोई तरक्की में आगे चलने में ये रुकावट आ जाती है, तो कुमार भाई से पूछेंगे कि इस सिलसिले में अभी हमें वक्फे की तरफ। जी जी, हमें वक्फे की तरफ भी जाना है और साथ में हम जरूर बात करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब हम नमाज का इख्तिताम होता है तो उसके बाद हम पढ़ते हैं तस्बीह जनाब फातिमा तुज़्ज़हरा, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह। इस हवाले से बात करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए तस्बीह ना पढ़े तो हमें लगता है हमारी नमाज ही मुकम्मल नहीं है, तो बहुत जरूरी है। और बात आपको ये जो इसकी वजह थी ये मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, आप करके देख लीजिए। आपको थकन अगर हो किसी भी शेड्यूल में, इसको प्लीज अपना हिस्सा बनाइए और फिर आप देखिए कमाल के क्या होता। जस्ट डू इट वाली बात है, आप करके देखिए। ये बड़ी मुश्किल को शायद तस्बीह जी में छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मचाएगा रमजान मुबारक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं और हम आ गए हैं अपने किचन में, जहाँ पर हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी नाज़िया मलिक मौजूद हैं। और हमारी इफ्तार की ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले ही उन्होंने कहा जी मैं रोज़ेदारों के लिए पहले से काम करना शुरू कर दूँ, तो वो पहले से ही शुरू कर देती चीज़ें बनाना। रेसिपीज़ ऐसी बनाती हूँ ताकि तैयारी जो है ना वो क्योंकि लंबी होती हैं थोड़ी सी रेसिपीज़ ना, तो उसी वक्त ही खड़े खड़े फिर आप नहीं बना सकते, इट टेक्स टाइम, इसीलिए फिर मैंने जो है ना पहले से तैयार कर दिया। तो आज आपने क्या बनाया ये बताइए। आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़ेदार तंदूरी चिकन और साथ में मैंने बनाया है मसालेदार चावल। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना जरा चेंज है, ये चावल एक्चुअली है बिरयानी स्टाइल के, मैं सीरियसली बताऊं। अच्छा, जो लोग चिकन नहीं खाते या जो लोग वेजिटेबल ज्यादा पसंद करते हैं उनके लिए चावल जो है ना एक्सीलेंट। अब तो वेजिटेबल बिरयानी भी आगे भी देखने से ये भी मैंने कभी जिंदगी में सोचा था वेजिटेबल बिरयानी होगी, लेकिन आ गई। ये आपने कैसे बनाया जल्दी से बता दीजिए। चिकन मैंने बनाया, इसमें मैंने दही लिया, इसमें मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और इसको फिर और कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। इसकी खास जो तरीका है बनने का वो ये कि मैंने ऑयल लिया, ऑयल में मैंने प्याज का पेस्ट डाला, तकरीबन आधी प्याज का पेस्ट डाल दें, फिर इस चिकन को आपने जो है ना उसको स्टीम भी करते रहें, ये पकते हैं, ये पकता भी रहेगा और इसकी शक्ल पर ये आ जाएगी। सही। अच्छा, एक इसका तरीका और होता है कि मसाला जब पक रहा होता है ना, वो नहीं होता आपने देखा है कि बड़ी सी देग होती है उसमें मसाला ऐसे ऐसे डाल रहे हो, ये जरूर करना है चिकन के साथ। जब आप इनको कह रहे थे ना कि आप क्योंकि दुपट्टे को खुदा ने दाग लग सी, तो उस वक्त दम ही दे लीजिए, दम ही हो रहा था और इसमें दही भी ऐड किया जिससे इसका जो मसाला है ना वो भरपूर बन गया। और चावल में भी इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत मजेदार है। चावल में मैंने सबसे पहले इसका मसाला बनाया, ऑयल लिया, ऑयल में प्याज का पेस्ट, टोमेटोस और उसके साथ ही गरम मसाला, धनिया पाउडर और टमाटर, टमाटर का पेस्ट, और बस इसके बाद इसमें मैंने जो खास जो तीन चीज़ें हैं वो हैं बादाम चॉप्ड किए हुए डाले और साथ में पीनट्स चॉप किए हुए डाले और इसमें आलू भी हैं। और जब इसको दम लगाने लगे तो जो टमाटर है ना थोड़े थोड़े पीस काट करना, इसको रख दें और फिर इसका ये वैसे मुर्गे मुसल्लम ही कहेंगे इसको, है ना, मुर्गे मुसल्लम है, तंदूरी चिकन है ना, और इसमें रूह केवड़ा भी डाला है। ओके, खास आपने जो चीज़ की तो खास आपको पता, हमारे दस्तरखानों पे जो सबसे ज़्यादा खास होता है इफ्तार के बाद वो होता है जी वो ठंडा ठार शरबत। और हमारे पास भी यहाँ पे जामेश्री है, तो जामेश्री कुछ से आज आप क्या बनाने जा रही हैं? बिल्कुल जामेश्री, सबसे पहले तो आप इतनी मुर्गन गजाएं अगर खाएंगे तो मैं सच्ची बताऊँ कि आपका उस वक्त दिल नहीं करता कोई ऐसी हार्ड ऐसा कोई पानी पिए या कुछ ऐसी कोई ड्रिंक लें जो बहुत ना आपको आपके पेट को जो है वो जो है ना तसल्ली ना दे। लेकिन सही बताऊँ कि जामे शीरी इतना लाइट और इतना ये खालिस जो है ना अरकियात से बना हुआ ये शरबत है कि बहुत अच्छा लगता है पीने के बाद, आपको ना एहसास होता है राहत सी, बिल्कुल ये राइट वर्ड है कि आपको राहत महसूस होती है, आप होती है, आपको अच्छा लगता है, आपको भारीपन नहीं लगता। और स्पेशली इफ्तार में आपने देखा होगा इतने
लवाजमात होते हैं और इतना मतलब चटपटी चीजें होती हैं, पकौड़े समोसे, हाँ बस जामे शीरी वेरी लाइट एंड वेरी नाइस और बहुत अच्छा टेस्ट। अच्छा 100% अर्कियात से बना रहे, ये इसकी खास बात है। और आज की जो रेसिपी है, बच्चे बूढ़े सब शौक से पीते सब हैं, ही बहुत शौक से पीते हैं। और इसमें कोई वो नहीं है कि कोई बच्चा पी रहा है, बड़ा पी रहा है, या कोई जिब जिब लड़कियां लड़के सब पिए, फैमिली मेंबर सब पिए। क्या बन रहा है शरबत में? इसका बनाने वाली हूँ मैं वाटरमेलन का शरबत। वाटरमेलन कूलर, ये बहुत अच्छा है। एक तो ये चीज़ है, इसमें मैं ये बताऊँ कि अक्सर हम कुछ बहुत ज्यादा शुगर ऐड कर देते हैं ना, वो अगेन वो भारीपन उस रेसिपी में ले आता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें हम ऐड करेंगे जामे शीरी, जो इसका एक तो जायका भी डबल अच्छा कर देगा, एनहांस कर देगा, और दूसरा कि आपको अगेन फ्रूट के साथ ये इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो मैं इसकी रेसिपी बता देती हूँ। सबसे पहले बिल्कुल हमने सबसे पहले 2 कप हमने लेना है वाटरमेलन, बीज निकाल देने हैं। ये मतलब अपना तरबूज हुआ ना वाटरमेलन? जी हदवाना, पंजाबी में जिसे कहते हैं ना। हां सही। अच्छा 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया नींबू, लेकिन अभी वो वाला सीजन ही है जिसमें कहते हैं कि जेड़ा पन्नो लाल है, अभी थोड़ा सा ऑरेंज आ रहा है, पानी नहीं पीना चाहिए इसमें। नहीं अभी वो इसीलिए जामे शीरी जो इसको और इसका टेस्ट जो है एनहांस करेगा। ये आप क्या डाल रही हैं इसमें? अच्छा इसमें डालू पिंच ऑफ ये चाट मसाला, तकरीबन आधा चाट मसाला। हाँ इसकी रेसिपी है ये, और इसी से आप देखिएगा ऐसा मजे का। और आधा चम्मच, और ये फिर हो गया। अच्छा ये मैं डालूंगी काला नमक। काला नमक ठीक है जी, इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही मैंने चंद पत्ते, ये पुदीना, डिफरेंट जरूरत जो है वो आपने डाल दें। अच्छा अब हम इसमें डालेंगे जामे शीरी। अच्छा जामे शीरी की खास बात ये बताऊं कि ये जो है देखिए कितना लाइट वेट है, तो ये जिस तरह से इसको बनाया गया ना, ये प्योर इसे कहते हैं कि ये कोई भी पानी का कतरा मिलाए बगैर ये 100% से बना रहा है। इसमें गुलाब का सही ऑर्गेनिक है, वो अर्कियात से प्योर ऑर्गेनिक, इसलिए आपने देखा ना इतने आराम से ये लाइट वेट है कि ये मिक्स भी हो जाता है। अच्छा अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा और इसे मिक्स करेंगे और फिर हमने सर्व करना है। चले चले भी जबरदस्त हो गया। कलर देखें कैसा, कल से एक्सीलेंट। चलिए जी आई एम श्योर कि जो लोग अब ये ट्राई करेंगे हमें प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वैसे भी एक तो आपको पता है वाटरमेलन मतलब तरबूज और उसके ऊपर फिर जामे शीरी आपने डाल दिया, तो कितना मज़े का वो जो है इमेलगमेशन, कितने मज़े की होगी, मुझे कोई वर्ड में आ नहीं रहा था। अच्छा जी ये सारे महीने में भी ज्वाइन के लिए, अस्सलाम वालेकुम सारे भाई, कैसे मिजाज है? मिजाज बखैर। अच्छा मेरे बड़े यहाँ पे मौजूद है, पीछे से होगी गुजरूंगी तो कुमैल भाई भी मान लेते हैं मोतबर, तो मैं ज़रा पीछे से होगी गुजरूंगी। और आज क्योंकि जिक्र हम ब्लेंडर आ गया, तो एक ज़माने में जब मदानी थी और लस्सी बनती थी तो वो मुझे याद आ गया, वो मुसर्रत नज़ीर साहिबा का गाया हुआ मदानियाँ हाय वे मेरे डाडिया रब्बा तियाँ जनियाँ किन्ना ने लह जानियाँ, और वो अश्कबार होते देखते थे हम बुजुर्गों को। अच्छा इसी से अच्छा उन्होंने गाया था। अच्छा मैं भी ये सोचूं कि जनाबे फातिमा तो ज़हरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी जिनसे वो इतनी मोहब्बत करते थे कि उनके एहतराम में खुद खड़े हो जाया करते थे, और ये देखिए ये हर बात हर बेटी की नहीं है, ये उस खास बेटी के लिए जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े होकर मिंबर पर अपनी अबा बिछा रहे हैं। तो जब उनकी मैं सोचती हूँ कि जब उनकी रुखसती होगी और उनके पास तो जनाबे फातिमा तो ज़हरा ही थी सबसे कीमती चीज़, और वो भी जब हमारे माशरे में किस कदर बातें मशहूर हैं, बेटियों के घरों पे नहीं जाते, खाते नहीं हैं और इस टाइप की बातें। और मैंने जब सीरत पढ़ी तो मुझे इस कदर लुत्फ आया कि रुखसती के बाद सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़रा दूर किराए का मकान लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा इंतज़ार करें, रुखसती के बाद भी, रुखसती के वक्त तो आप उन्हें नसीहत कर रहे हैं, फरमा रहे हैं मेरा इंतज़ार कीजिएगा, और उसके बाद भी सुबह शाम आप रोज़ाना तशरीफ़ ले जाते हैं, इशराक के बाद जाते हैं, आप एक साथ नाश्ता तनावल फरमाते हैं और उसके बाद रात को दोबारा जाते हैं। तो आपको इतना ज़्यादा पैदल आना जाना देखकर सैयदा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह वो जो जिन सहाबी ने चंद एक और हुजरे आपको तोहफ़तन दिए हैं तो उनसे कहिए कि एक और भी दे दें, आपको तकलीफ़ होती है कि आप सुबह शाम इतना पैदल चलते हैं, तो आप फरमाते हैं कि फ़ातिमा वो पहले ही इतना दे चुके हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनका मज़ीद एहसान लिया जाए। तो साथ जो कोई बैठा है कुछ दिनों के बाद उनके कानों तक बात पहुंच जाती है कि सैयदा ने इस तरह से फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जवाब दिया, तो वो सैयदा
का हुजरा जो बिल्कुल मस्जिद नबी से मुलहक है, हज़रत आयशा के हुजरे के साथ है, वो तोहफ़तन देते हैं, खाली कर देते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह सैयदा यहाँ रहेंगी। वजह क्या थी कि आपकी आँखें वो आपका नूर थीं, सुबह शाम जब तक आप उनसे मिल ना लेते आपको सुकून नहीं आता था। तो वो इतना दूर भी चलकर पैदल जाते थे कि सहाबा ने उनको वहाँ पे वो उन सहाबी ने घर तोहफे में दिया, और फिर आपका तो ये मामूल था कि आप उनको देखते थे। और फिर जब सैयद ना हसन और सैयद ना हुसैन की विलादत हो गई तो फिर तो ये है कि तीनों को देखे बगैर आपको नहीं होता था। एक मरतबे जैसे मियाँ बीवी में कुछ ना कोई बात हो जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सैयदा फ़ातिमा किसी से अपने घर की बात, यानी जैसे वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे हज़रत फ़ातिमा के कॉन्फिडेंट जो कहेंगे, बिल्कुल। और हज़रत फ़ातिमा से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने दिल की हर बात फरमाते थे। तो एक दिन तशरीफ़ ले गए तो देखा कि सैयदा के चेहरे पर ज़रा सी परेशानी सी है, तो पूछते हैं फरमाते हैं कि हज़रत अली रूठ के गए हैं किसी बात पर। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूरी तफसील सुनते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, काउंसलिंग जिसे कहते हैं, उनको तसल्ली देते हैं कि कुछ नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ, आप घबराएं नहीं, आपके चेहरे की परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही। और उस वक्त नहीं नसीहत फरमा रहे, हमेशा नसीहत ये फरमाई कि उन्हें कभी शिकायत ना करना, शिकवा भी ना करना, वो बेहतरीन इस कायनात के इंसान हैं जो मैंने आपको दिए हैं। लेकिन उस वक्त उन्हें ये नहीं फरमाते, उस वक्त फरमाते घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। और जब बाहर जाते हैं तो सैयदना अली मुर्तज़ा को देखते हैं कि वो उन्होंने खुद पे मट्टी लगाई हुई है, लेटे हुए हैं और मट्टी लग गई। तो आप प्यार से अबू तुराब उठो, और हज़रत अबू तुराब को क्या चाहिए था कि कौन मनाने आए हैं, आप लेकर वापस उन्हें जाते हैं और जाकर उनके हाथ में सैयदा का हाथ देते हुए कहते हैं, फातिमा मैंने आपको अपने कबीले का और इस खल्क का बेहतरीन इंसान बतौर शौहर के लिए। अब सारम भाई, आपके ट्रस्ट में भी इतनी और बच्चियां आती हैं, और आपके यहाँ स्पेसिफ़िकली मैंने देखा भी है कि ख़ास अयाम का बहुत अच्छे तरीके से जैसे उनका हक है वैसे मनाने की कोशिश भी की जाती है। तो जनाब लोग आते हैं जनाब फ़ातिमा की नस्बत से, बहुत सारे लोग जिनकी माएँ दुनिया में नहीं रहीं, जिनकी बेटी जो दुनिया में नहीं रही, तो उनकी नस्बत से भी उनका सदका कैसे कभी लोग स्पेसिफ़िकली करते हैं? देखें, हमारे यहाँ बिल्कुल आज़ादी है हर किसी को, ये सिर्फ फ़िरकों में नहीं, हमारे पास मज़हबों में भी आज़ादी है, इंसानी सतह पे ही ना सर। बिल्कुल, हमें इससे गर्ज नहीं है कि क्या है क्या नहीं। हाँ, जहाँ कोई चीज़ ऐसी समझ रहे होते हैं कि इधर गलत हो रही है, उधर ज़रूर समझा दिया जाता है। लेकिन जिन हस्तियों की हम बात कर रहे हैं वो तो इतनी अजीम हस्तियाँ हैं कि उनको मेरा ख्याल है कि हम अगर अपने, हम वैसे तो बटे हुए लोग हैं जो हकीकत है, बटना नहीं चाहिए, लेकिन सब के सब एक ही जज्बे के तहत उनको जो है ना मानते हैं। और हमारे यहाँ अभी मैं आपको एक वाक्य बताऊँ, अभी सुबह ही मुझे फ़ोन आया कि सर उस लड़की ने रब्ता की, एक बच्ची, चार बहनें हमारे, तीन बहनें एक भाई आए थे हमारे पास, वो और किसी मज़हब से थे, उनमें से तीन जो हैं वो अपने हिसाब से इबादत करते थे वहाँ पे, एक बच्ची जो है वो जब कुरान की क्लास होती थी तो उधर आके बैठती थी और सुनती थी और पढ़ती थी। और मुझे बड़ी हैरत, हमने नहीं कहा उसको कि तुम पढ़ो या तुम नहीं पढ़ो, बल्कि मैंने एक आध प्रोग्राम में पता नहीं शायद कोमल भाई से और किसी इस पर सवाल भी किया था, दो साल पहले की बात है। आज वो जो है बच्ची, वो उसने, मैं इसको कोई अच्छा या बुरा भी नहीं कह रहा, सबका मज़हब बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमारे इस कदर आज़ादी है इस चीज़ के अंदर। आज उसने किसी मुसलमान से ही जो है ना शादी की है उसने जा करके, तो हमें इन चीज़ों से तो खर्च होता ही नहीं है किसी भी सूरत। कोई दिन कौन सा मनाता है, हम ना किसी को कहते हैं ना मना करते हैं। जैसे सालगिरह को ले अगर हम, तो सालगिरह में अपने तौर पर नहीं पसंद करता, लेकिन अगर कोई मना रहा होता तो जा करके शरीक भी हो जाता हूँ। तो इस तरीके से हमारे शेल्टर में जो मामला चलते हैं। लेकिन हाँ, ख्वातीन के हवाले से जो हमारे बातें सुनते हैं वो अगर आज हम अपनी ख्वातीन में देखें तो 1% भी नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह लगती है आपको? ना नूर भाई, ख्वातीन के अपने अमल में, ना हमारे उस अमल में कि हम अपनी ख्वातीन को वो इज्जत दें, वो एहतराम दें, वो मकाम दें। वजह क्या लगती है आपको? सर वजह तो ये है कि अब ज़रा सी गलती से धागा होता है ना पतला, वो उलझ जाता है, ठीक है, और वो उलझते ही चला जाता है। नहीं तो सुलझाने के लिए तो पेशेंस चाहिए। नहीं सर, नहीं सुलझता, वरना तो तोड़ के गिरा लगानी पड़ती। जितना आज ये धागा उलझ गया है ना,
मुझे नहीं लगता कि सुलझेगा। अगर ये सुलझ गया तो हाथ उठा दें सर, नहीं हाथ तो नहीं उठाने नहीं, लेकिन वो कहने जा रहे हैं कि पेशेंस दोनों साइड से अच्छा, क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर और मैं क्योंकि सैरी मदद थी नहीं, तो मेरे पास जो जिक्र वो इसी में करना, तो मैं तस्वीर फातिमा के वाले से बात करना चाह रही थी, अगर कुमैल भाई कुछ अता हो सके इस हवाले से। बात यह है कि फकत एक गुजारिश के चूंकि हमारे यहाँ उस रिवायत का वजूद नहीं है कि मौला अली सलाम रूट के चले गए, इसलिए क्योंकि वो जब इताअत की बात करें वो आए तथीर की वो कैफियत है कि दोनों ही तथीर का मरकज है और मरज अल बहरीन यल तकियान, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना हमने दो समंदरों को मिलाया है। जी फरज अल बहरीन बिल्कुल सही। तो बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान, के दरमियान एक ऐसा बरज़ख हद फासिल है कि कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अल्लाह हो क्या कहने, तो इसका एक जाहिर है, इसका एक बातिन है, लेकिन कभी बहुत खूबसूरत सा इख्तलाफ तो होता होगा कभी, है ना, वो तो बड़ा बड़ा ठीक है। अब उसमें यह है कि वो कभी भी एक दूसरे से तजावुज़ नहीं करते, तो अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने तफ़सीरुल मंसूर में लिखा कि इसका जो बातिन है ना, हुज़ूर मुकर्रम ने फरमाया कि जो दो समंदर जिन अल्लाह ने मिलाया है, हुमा अली व फातिमा, ये अली और फातिमा जी जी बड़ा खूब कमाल, और बरज़ख में कि मैं इन्हें मिला रहा हूँ कि कभी भी एक दूसरे से तजावुज़ नहीं करते, और तुम अपने रब की कौन कौन सी और यखरुजु मिन्हुमा लूलू वल मरजान, इन समंदरों से हमने लूलू और मरजान खारिज किए, लूलू इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, और उनकी जानिब जो हमें एक तोहफा मिला वो तस्बीह फातिमा ज़हरा है कि जब नमाज आप पढ़ लीजिए तो उसी पहलू पर बैठ कर बेहतर है कि उस तस्बीह को अंजाम दीजिए। बीबी खस्ता हो जाती थी घर के, तो दोहरा भी दीजिए ताकि अच्छा सबक जी का ताज़ा तो वो 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, के इमाम जावेद सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम जैसे अपने बच्चों को सिखलाते हैं, जो उस्ताद इमाम अबू हनीफा हैं वो ये फरमाते हैं कि हम जैसे अपने बच्चों को फ़र्ज़ नमाज सिखलाते हैं, वैसे ही अपनी दादी फातिमा ज़हरा की तस्बीह से पहले सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह अकबर, या इस तरतीब से अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप सुभान अल्लाह। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं चाहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, और क्या कहते हैं सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही इस माह मुबारक का एक पैगाम है और हमारी ये ताकत है। और सैयद फ़सीहुद्दीन सुहरावर्दी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। जिस आला हस्ती का जिक्र हो रहा था, तो कुमैल माधवी साहब से भी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि वो तमाम रोल जो बतौर आज भी हम ख्वाहिश करते हैं, बतौर बेटी की, एक वालदा के, एक अहलिया के, और सारिम भाई कह रहे थे कि कहाँ अब नज़र आता है इस ज़माने में, तो कहाँ वो मुश्किल क्या है, क्यों अप्लाई करने में मुश्किल होती है, तो गुजारिश करेंगे कुमैल भाई से कि ज़रा आज के दौर के हिसाब से बताएँ हम कहाँ फंस रहे हैं। देखिए बात है कि बतौर बेटी, बतौर जौजा, बतौर माँ, अगर आप मस्तूर और ख़ातून की ज़िंदगी के इन तीन अबवाब को देखिए, तो बेटी है तमीद ज़िंदगी और माँ है नतीजा ज़िंदगी, क्या कहने, और ज़ौजा है असल ज़िंदगी। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुरान में कहा वमिन आयातिन खलकलकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, हमने तुम्हारे दरमियान जोड़ों को इसलिए खलके ताकि तुम सुकून हासिल करो, घर है सुकून का मकाम। तो जो पहले बात हो रही थी कि बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की, तो इसमें फ़कत औरतों के लिए पैगाम नहीं है, इसमें मर्दों के लिए पैगाम है कि आप घर का निज़ाम ऐसा बनाइए कि उन्हें कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े, ना नफका वाजिब है मर्द पर, वो वाजिब है उसकी शान के मुताबिक। लेकिन जिन फाकों के हवाले से हम बात करते हैं वो खुद इख्तियारी हैं, वो तो अलफ़्र फ़खरी सुभान, कि फ़ख्र मेरा फ़ख्र है सुभान, वो तो हुज़ूर ने ये फरमाया, चाहते तो क्या कुछ जब जन्नत से दस्तरखान हासिल होता था, वो यतमून ताम अला हुबी मिस्किन व यतीम व असीर, ये वो हैं कि जो मिस्किन व यतीम व असीर को अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं, और ला नुरीदु मिनकुम जज़ान वला शुकूरा, ना कोई जज़ा चाहते ना शुक्रिया चाहते, वो फकत लिल्लाह ही है, फकत कुर्बत, शुक्रिया भी नहीं चाहते क्योंकि सामने से थैंक यू कहे वो कह दे तो कह दे फकत रज़ा इलाही है, तो वो तो उनके लिए एक एज़ाज़ की बात थी वो फ़ख्र। लेकिन जो असल कैफियत है कि घर के अंदर सुकून, वो सुकून मैं समझता हूँ ओनस और जिम्मेदारी ज़्यादा मर्द की है कि पहले वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए, इसलिए कि बहरहाल अल्लाह ताला ने उसको एक विलायत अता की, उसको एक हाकिमियत अता की, यह घर की मस्तूरात को भी समझना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अर्रिजालो कवामून अला निसा हाकिमियत अता की है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब डिक्टेटरशिप नहीं है, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस घर में सुकून के लिए। यकीन फरमाइएगा कि कितनी ही मरतबा फर्ज कीजिए कि एक बात पर गुस्सा आ गया,
और फकत अल्लाह की खातिर कि कहीं मामला एस्केलेट ना हो जाए और घर का माहौल बेहतर रहे, मैंने अपने आप पे जब्त कर लिया। यकीन फरमाएगा नूर भाई, शायद ये किसी इंसान का जब्त कर लेना उसकी जिंदगी भर की सारी नफल नमाजों से। क्या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इबादत फकत मुसल्ले पर मामलात मामलात की इबादत, मामलात इबादत जो 24/7 मोमिन होना है। ये नहीं कि फकत मस्जिद के आप मोमिन नहीं है, और मस्जिद से बाहर निकले तो आपने कहा गुड बाय गॉड सी यू नेक्स्ट वीक, तो अब अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले दिन मिलेंगे। हमारे वो पापाइयत वाला तो तसव्वुर नहीं है, हमारे वो तसव्वुर नहीं है। हमारे यहाँ आप अल्लाह के बंदे हैं 24/7, आप बिजनेस में भी अल्लाह के बंदे हैं, आप जॉब पर भी अल्लाह के बंदे, आप सड़क पर भी अल्लाह के बंदे, आप सबसे बड़े घर में अल्लाह के बंदे। और जो घर में अल्लाह के बंदे हैं, उस बंदगी का तकाजा यह है कि उस बंदे का एहतराम रखें। जब अल्लाह सुभान व तआला ने एक विलायत और हाकिमियत अता की, इसका मतलब यह है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सबसे पहले नान नफका पूरा करना, बाकी लोग उसको पूरा नहीं करते। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे एक बात आती है कि देखिए हम जिक्र कर रहे हैं ऐसी हस्ती की जो खातून जन्नत है, एक्सेप्शन बाबुल इल्म हजरत अली करम अल्लाह वजह, तो आम लोग जो हैं हमें लगता है शायद हम पहुंच नहीं पाएंगे, जैसे सारा कदम तो उठा सकते हैं ना मतलब। और जब एक कदम बढ़ेंगे तो मामला और मजीद कदम आगे बढ़ देखिए, हम एक कदम बढ़ाते तो वो कितने कदम बढ़ाते हैं। मामला ये कि अगर मुझे फर्ज कीजिए कि 10 किलोमीटर सफर करना है और मेरे पास एक टॉर्च ऐसा है जो मुझे 100 मीटर दिखा रहा है, तो मैं ये कहकर नहीं खड़ा हो सकता कि मैं 10 किलोमीटर तक तो देख नहीं रहा। आप एक कदम बढ़े तो 10 मीटर और आगे बढ़े, वो शर्त कदम उठाना शर्त, फिर एक कदम आगे बढ़े तो 10 मीटर और रोशनी बढ़ेगी, फिर एक कदम आगे बढ़े 10 मीटर और रोशनी बढ़ेगी। तो एक है तमहीद जिंदगी, एक है नतीजा जिंदगी, दरमियान में असली जिंदगी जो उनकी तमहीद जिंदगी है बेटी की हैसियत में। वो कैफियत यह है कि जब बेटी आए तो बाप में खड़ा हो जाए, अभी हाँ बाप की भी माँ हो, तो नतीजा जिंदगी है कि माँ की हैसियत में अब हर माँ के कदमों में जन्नत है। लेकिन जरा सोचिएगा हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार है, तो जो खुद जन्नत के जवानों के सरदार है उनकी अपनी जन्नत फातिमा की, और जो असली जिंदगी है वो हुजूर ने फरमाया कि लौला अली लम यकुन फातिमा कुफ्फन, अगर अली ना हो तो फातिमा की बराबरी करने वाला ही कोई ना कोई बराबरी। यहाँ पर अब जितना भी मौला अली के फजाइल है उसमें मौला अली सैयदा से ऊपर नहीं, हमको बनते हैं यानी अली खुद भी आलम इमकान है, मौलल मोमिनीन है, यासुबुद्दीन है, नबई अजीम है, मुबीदुश शिर्क वल मुशरिकीन है, कातिलुन नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन है, अबुल यतामा वल मसाकीन है, बाबू हिकमत रब्बिल आलमीन है, उमूदुद्दीन है, अबुल आबिदीन है, शबी हारून है, नफ्सुर रसूल है, ज़ौजुल बतूल है, सैफुल्लाह अल मसलूल है, अमीरुल बररा है, कातिलुल फजरा है, कसीमुल जन्नत वन नार है, करार गैर फरार है, और रिश्ता ही जहां से आया तो ये सब होने के बाद भी वो हमकुफ बनते हैं। क्या कहने क्या कहने क्या कहने, जीते रहे अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और बसता रखे, और सवाए गम की कोई गम ना दे, सिर्फ हमारे लिए नहीं तमाम तर देखने वालों के लिए भी यही दुआ है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, बहुत शुक्रिया जी कुमैल भाई आपका, बहुत शुक्रिया मैमून आप आपका, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मचाएगा, जीते रहिए, क्या जबरदस्त। Oh,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम तो देखने वालों को एक बार फिर से हम रमज़ान के समा में खुश आमदेद कहते हैं। आज तीसरा रोज़ा है और आज तिब नबी में हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर उम्मे राहिल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उम्मे। अस्सलाम, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा उम्मे, कल हमने शहद पे बात की, उससे पहले हमने खजूर पे बात की, और आज हम तिब नबी में किस फल पे बात करने जा रहे हैं? अनार पे। जन्नत का एक और फल और जिसका कुरान पाक में जिक्र है, और इसकी बड़ी ख़ास बात यह है कि नबी पाक ने बड़ी डिटेल से इसको बयान फरमाया। हज़रत अली से रिवायत है कि नबी पाक ने कहा अनार को खाओ इसके अंदरूनी छिलके के साथ, ये तुम्हारे मैदे को मतलब पेट को नई जिंदगी देता है। हम लोग इसको निकाल के फेंक देते हैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और अनार का जो फल है इसकी जो सबसे प्यारी बात है, सबको पता है लेकिन दोबारा रिपीट करूँगी कि ये भी रिवायत में है कि कोई दुनिया का एक ऐसा अनार नहीं है जिसमें जन्नत के अनारों के दानों की पेवनकारी ना हो। क्या खूबसूरत, मतलब हर दाना, हर अनार के अंदर एक दाना या एक बूंद पानी जो है जन्नत की मौजूद है। जैसे बचपन में अनार खाते ना तो मैं कहती थी कोई भी दाना जाया नहीं होना चाहिए, पता नहीं कौन सा जन्नत का हो दाना हो। कहते हैं एक अनार सौ बीमार, और लोगों के दांतों की तारीफ करनी हो तो कहते हैं जैसे अनार की तरह, कितना हसीन होता है। एक अनार सौ बीमार की वजह कहने की वजह ये की सिर्फ अनार का दाना इस्तेमाल नहीं होता, अनार का छिलका, अनार का फूल, उसकी कली, उसके पत्ते, उसकी छाल, उसकी जड़, उसका एक एक जो पूरा जो दरख्त है ना वो इस्तेमाल होता है, हर चीज के लिए इस्तेमाल होता है। हम क्या बनाने जा रहे हैं मैं आज? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताना चाह रही थी कि ये रखा इसलिए कि अनार का ये छिलका हम निकाल के फेंक देते, कोई भी नहीं खाता, लेकिन जब इसमें हदीस मौजूद है इसका मतलब ये हमारे पेट के लिए कितना अच्छा है। गैलिक एसिड इसमें मौजूद होता है, फाइबर होता है, जब इसको हम अनार के दाने के साथ खाते हैं तो ये हमारा हाजमा बेहतर करता है, पेट के जो भी स्टमक के जो प्रॉब्लम्स है उसको ये दूर करता है। कड़वा होता है वैसे उसकी कड़वा ये होता है जी, ये वाला, लेकिन जो सफेद वाला नहीं, पीला वाला नहीं, तो इसको ग्राइंड करके जूस बना लें या खाएं? बिल्कुल ग्राइंड भी कर सकते हैं, जूस बना लें, जैसे आप अनार का जूस बना रहे तो उसको इसके साथ मिक्स कर लें, इसको फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि जब हम इस छिलके की बात करते हैं इसके अंदर एस्ट्रोजन पावर बहुत ज़्यादा है। यूँ समझ लें कि अनार का छिलका और अनार का फूल, इसकी खासियत है ये बहते हुए खून को रोक देता है। कि आप इसको जो हम छिलका इस्तेमाल करते हैं फिटकरी के साथ इस्तेमाल करते हैं, इसका आप छिलका लें, इसको थोड़ा सा सुखा लें और इसका पाउडर बना लें, सफूफ बना के बिल्कुल इसका हमने फिटकरी मिलानी, इसमें कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका मंजन तैयार हो गया है, आपके गम्स अगर ब्लीड कर रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, गम्स सूज गए हैं, दांत हिल रहे हैं, ये बेस्ट है। अगर ये भी मुश्किल है तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने अनार का छिलका लेना है, उसको पानी में पकाना है, थोड़ा सा टेस्ट कड़वा होता है, लेकिन इसे आपने कुलियां करनी है, तो आपके मसूड़े जो है जम जाएंगे। और उसके अलावा इसका जो दरख्त है, माएं बहुत शिकायत करती है बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं, बड़े मसले हो गए हैं, बड़ों को भी होता है, अनार का जो दरख्त का छिलका है उसे वो छिलका पानी में उबालना है, इतना कि आपने एक गिलास पानी लिया, जब वो चौथा हिस्सा रह जाएगा वो पानी चार दिन पी लीजिए, चार से पाँच दिन में कीड़े, उसकी जो थैली होती है, बैक्टीरिया, वो सब खत्म हो जाएगा। और अगर किसी को बहुत पुरानी शिकायत है तो उसके ऊपर थोड़ा सा सफ़ेद तिल जो है वो पी लें, बच्चों को पिला दें, तो वो कभी दोबारा शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। सही, पेट की कीड़ों को मलप भी कहते हैं ना वैसे, पंजाबी में मलप कहते हैं। हाँ जी, अच्छा, और ये जो इलायची आपने यहाँ पे रखी, बिल्कुल इलायची की मैं बताऊँ, होता है कि नॉर्मली अक्सर बच्चों को लूज मोशन हो जाता है, मैं बच्चों में से खवातीन बहुत सवाल करती हैं, किस उम्र के बच्चों की आप खासतौर पर बात करें? छोटे बच्चों की, तकरीबन 9 महीने से लेकर 5 साल तक, ये छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स में जो आते हैं उनको हम बहुत ज्यादा मेडिकेशंस पे नहीं लेके जाते, बिल्कुल लूज मोशन हो गए, हाथ भी गंदा गया तो उसको मोशन हो गए। आपने करना क्या है कि सिंपल जो है आपने अनार का ये छिलका लेना है थोड़ा सा, ठीक है, इसको छिलका आपने लिया, इसके अंदर आपने चीनी डाली और 1 चम्मच, और इसमें 2 इलायची डाल दी, ये इलायची भी पेट के लिए बहुत अच्छी है, और इसको पानी में डाल के उसको पका लिया, बच्चों को इलायची का पानी पका लेना, इसको पका लेना है, इसका जैसे आपका सिरप सा तैयार हो जाएगा, खूब पका के ये पानी, जो छोटा बच्चा है अगर साल तक का बच्चा है तो आपने आधा आधा चमचा देना है, चम्मच चम्मच, और कितने वक्फे के साथ? सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, और अगर बच्चा साल से बड़ा है तो फिर इसको आपने इसको दिन में 3 से 4 दफा पिलाना है। लेकिन ये एक और चीज बता दें, मुझे ब्रेक पे जाना है, अनार से मुताल्लिक एक और चीज के फायदे, एक और चीज बता, अनार के बताऊं कि इसमें फोलेट बहुत होता है, जो खवातीन हामला खवातीन उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको खून की कमी है उनके लिए अनार अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा तोहफा है। और लेकिन पोटेशियम भी इसमें काफी ज्यादा होता है, तो अगर आपको किडनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज डॉक्टर से पूछे बगैर आपने वैसे अनार नहीं खाना, ये भी राहिल मुझे लग रहा है मेडिकल और वीरान कर देंगे अगर ऑर्गेनिक नुस्खे हमने कर लिए तो। हमेशा छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा।
Love.
इस मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे पेश सलाम का पाकिस्तान के जिन लोगों ने